स्वस्थ हो, और उसके लिए से क्या करना होगा वो टेक्निक बताते रहते हैं जो चीजें उन्हें लाभ पहुंचाएगी। तो संघ उसी के अंतर्गत रखा था कि यदि हम अपने भीतर ईमानदारी, विनम्रता, आभार प्रदर्शन यदि आपके मान लेते हैं, अपना जीवन सार्थकता की ओर ले जाते हैं, तो जिन सात सुखों का शास्त्र में वर्णन किया गया है उन्हें हम आसानी से पा सकते हैं। वो तकनीक आज के टॉक में दी गई थी। क्या टिप दिया गया आज, अगर आज की बात करें, मेडिटेशन की बात करें? मेडिटेशन तो हमारा पुराना था, लोगों की डिमांड पर सिखा दिया था, पर प्राथमिकता ये थी कि हमें अपने जीवन में ईमानदारी को, लोगों का ख्याल करने वाली हैबिट को, आभार को, विनम्रता को, इन चीजों को अपने जीवन में लाना है। किस तरह लाना है वो तकनीक इसको सिखाई गई, और जब आप ये तकनीक सीख लेते हैं इससे क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं उसका विस्तार से वर्णन किया गया। नारायण जो सतयुग भगवान राम के वक्त था, यदि उस वक्त था तो अब भी हो सकता है, ऐसा हमारा प्रबल विश्वास है। हम उसी के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ दीदी, बात करें तो कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ। और कुछ लोग रहते हैं कि शांत रहते हैं फिर भी उनके अंदर समंदर छुपा होता है। हाँ। किस प्रकार का? देखो, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है ना, कोई बताता है, कोई कम बोलता है, तो उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। और हाँ, मुझे पर्टिकुलर मेरा यदि कहूँ तो मुझे लगता है जिन चीजों ने मुझे कुछ भी नहीं था और इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है, तो वो चीजें लोगों तक पहुंचे, उनको भी वो चीजें मिले जो मुझे आज मिल रही है। और इस प्रकार का कहाँ कहाँ आयोजन हो रहा है और होने वाला है? हमारा देखो अभी फ्यूचर में हो रहा है हमारा सूरत, बड़ौदा, नागपुर, दिल्ली और अहमदाबाद, पांच जगह तो ये चलेगा हमारा। ये वाला सत्र जो आज हुआ है वो जयपुर, पांच जगह तो ये चलेगा। वैसे हमारे 25-30 जगह हमारे सेंटर हैं जो अलग अलग लोग संभालते हैं, ये रेखी विद्या जो है सिखाने का, इसका प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। थैंक यू। एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और मैंने ये देखा कि इसको समाज का बहुत बड़ा फायदा है। जो हमारी दीदी हैं, जो हमारी गुरु माँ हैं, वो रेकी के लिए जो उन्होंने वो संघर्ष कर रही हैं पिछले 25 वर्षों से, अनेक जगह उनके सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ पे लोगों को, महिलाओं को गाइडलाइन दी जा रही है। जो उनका मेन मोटिव है कि जो महिलाओं के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है शरीर के अंदर, और वो उनके घर में और समाज के अंदर जाए, जिसके कारण एक समाज में सही दिशा और मार्गदर्शन मिले। इसलिए जो उनका ईमानदारी, विनम्रता, आभार, ख्याल रखना, जिसके कारण अपना तो शरीर अच्छा होगा, पूरे परिवार का और समाज का भी उत्थान होगा। इसलिए हमारी जो गुरु माँ है, दीदी राजेश्वरी मोदी, ये बहुत ही एक संघर्ष और एक बहुत बड़ा ही अभियान चला रही है। उसके लिए मैं उनका अपने परिवार की तरफ से और समाज की तरफ से बहुत बहुत उनका मैं आदर करती हूँ, उनका रिस्पेक्ट करती हूँ। और जब वो बोलती हैं कि जो मेन बोलती है जब वो कि नारायण नारायण नारायण, जब वो नारायण को, ईश्वर को जब याद करती है, तो उस वक्त अपने शरीर में एक अलग ताकत और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और समाज के लिए काम करना इतना आसान नहीं है, और इतने सेंटर चल रहे हैं, सेंटर पे अलग अलग लोगों को अनुभूति मिल रही है, लोग यहाँ पे शेयर भी करते हैं कि किस तरह से उनको जीवन में पॉजिटिव बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके। इसलिए मैं दीदी का बहुत बहुत आभार करती हूँ और उनकी पूरी टीम का मैं आभार हूँ। 1899 में दीदी के पास आई थी और उस समय से हम लोग दीदी से जुड़े हुए, अनेक मंच पर मिले, जहाँ दीदी का ऑफिस है गोरेगांव मलाड ईस्ट में, गोकुलधाम में, वहाँ भी कई बार जाना होता है दीदी से, और हम लोगों का एक पारिवारिक रिश्ता बन गया। और सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने भी लोग दीदी के यहाँ आते हैं, गुरु माँ के यहाँ आते हैं, उनका एक उनसे पारिवारिक रिश्ता ही है। बहुत से लोग होंगे कि आज यहाँ पर लोग हैं, कितनी महिलाएं पुरुष सभी लोग आए हुए हैं, और ये हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो ये हमारे सेंटर जितने भी खुले हुए हैं, तो सारे सेंटरों पे वहाँ पे धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। और जो दीदी की जो टीम है, टीम एक दूसरे को बताते हैं कि भाई दीदी का इस तरह से ये इतना पावर है इसके अंदर, और जो व्यक्ति एक बार यहाँ पर आ जाता है वो दोबारा फिर लौट के नहीं जाता है, और वो उसमें रम जाता है। और वो दीदी का ये है कि तुम हमारे पास आते हो, तुम अपना जीवन सुधारो,
दीदी का जीवन उसमें सुधरने का कोई विषय नहीं है, जो व्यक्ति आता है वो अपना जीवन सुधारे, इसलिए यहाँ पर आता है। थैंक यू, थैंक यू। से धन से और संबंध से स्वस्थ हो, हर घर में सुख एवं समृद्धि हो, हर व्यक्ति प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस में अपने जीवन को गुजारे, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजदीदी राजेश्वरी मोदी जी, इन्हें हम सब लोग प्यार से राजदीदी बोलते हैं, उनके मार्गदर्शन में ये संगठन आगे बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। और हमारी कोशिश है कि हर घर में सुख संपन्नता और एक वैभव का जीवन सबको मिले, ये हमारी कोशिश है जिसमें हम सब लगे हुए हैं। विशाल रमेश, थैंक यू सर, थैंक यू। अगले सर थोड़ा घूम लीजिए, बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया हुआ है, जो हमारी थोड़ी सी भी कोशिश लोगों के चेहरे पे हंसी ला रही है। और दीदी के साथ जुड़ के तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे जीवन धन्य हो गया। हर पल अभी जिन चीजों की छोटी छोटी चीजें जो कि हमारे रूटीन के जीवन को परेशान करती हैं, वो सारी चीजें जैसे धीरे धीरे करके जिंदगी से बाहर जाती जा रही है। और अच्छाई, भलाई, खुशी, आनंद, बस अब यही हमारे जीवन का एक ध्येय बचा है और जन जन तक पहुंच रही है चीजें। और ये मेरी सहयोगी है जो कि सद्या जी ने आज क्या सीखा और क्या टिप लेके जा रहे हैं यहाँ से? सीखा हम तो इतने बरसों से जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आज जैसे सीखा कि सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में, हम जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें शांति सीखना बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को शांत कैसे रखें, जो कि आज के टाइम पे और लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम जब दीदी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, जो उन्होंने आज शांति कलश बताया, शायद आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जब हम उसको फॉलो करते हैं तो थोड़े जो विचलित था मन 2 मिनट पहले किसी बात को लेकर, वो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम शांत और खुशी से भर जाए वापस आए। तो वो हम अपने बच्चों के द्वारा ये कर रहे, क्योंकि जब वो छोटे हैं तब भी अगर हम बीज उनके बोए तो वो जैसे बड़े होते हैं तो ये राह में वो लोग आगे निकल सकते। तो हम बच्चों में चैंटिंग और धीरे धीरे छोटे छोटे स्टोरीज के द्वारा उनको कैसे पॉजिटिव रहना है, मतलब कैसे हर वक्त हर उनके पढ़ाई के टाइम या उनके स्कूल में उनके टीचर्स के साथ या उनके फ्रेंड्स के साथ, जैसे पहले होता था कि हम उनको बोलेंगे कि हम उनको अलग वे से सिखाते, दीदी का एक अलग वे है सिखाने का बच्चों को कि आप सबको वैल्यूशर मानिए और आप सबके साथ आपके संबंध अच्छे करिए। तो ये बच्चों को हम पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ और चैंटिंग के साथ उनमें हम लोग ये सिखाते रहते।